नमस्कार दोस्तों, तो अगर आपका प्लानिंग है कि बहुत ही जल्द आप कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वो भी पोर्टेबल वाला लेंगे, तो जैसे आप मोबाइल के साथ स्क्रीन गार्ड या फिर बैक केस लेते हैं, तो हार्ड डिस्क जब आप लेंगे उसके साथ सबसे एसेंशियल चीज होता है इसका हार्ड केस। अब देखिए, आजकल का जो हार्ड डिस्क वो बहुत ही हल्का है, मतलब लगभग 130 ग्राम के आसपास है, और अगर आप ऐसे प्रोडक्ट को एक्सीडेंटली हाथ से गिरा देंगे तो गारंटीड वो खराब हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा अगर आप कोई ऐसा हार्ड डिस्क अपने पोर्टेबल हार्ड डिस्क के लिए लेना चाहते जो कि टोटली शॉक प्रूफ होगा और उसके लिए आपको ज्यादा पैसे भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा, तो आपको ये वीडियो पूरा अंत तक देखना चाहिए। तो इस वीडियो में अनबॉक्सिंग कर रहा हूं ज़ीज़गा कंपनी का ए वाला हार्ड केस, जो कि स्पेशली सीगेट और WD कंपनी के जो भी पोर्टेबल हार्ड डिस्क है उसके लिए बना है। और ये चीज मैं कह सकता हूं, ये जो ज़ीज़गा कंपनी का प्रोडक्ट, चाहे वो लैपटॉप के लिए केस हो या फिर मोबाइल के लिए हार्ड केस हो, ये अमेज़न पे सबसे ज्यादा बिकता है। और ये जो मैं प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग कर रहा हूं, ये दरअसल अमेज़न पे सबसे ज्यादा बिकने वाला पोर्टेबल हार्ड डिस्क के लिए हार्ड केस है, और इसका प्राइस अमेज़न पे 199 रुपीज। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल पैकेजिंग के साथ आता है। इसका मटेरियल चेक करके मैं ये चीज कह सकता हूँ, इसके जो बाहरी हिस्से इसमें आसानी से स्क्रैच नहीं पड़ेगा, और मेरे ख्याल से इसका जो बाहर का मटेरियल या फिर इस बैग का जो अंदर का मटेरियल वो थोड़ा सा फोम जैसा मटेरियल से बना है, जिससे कि जब आप हार्ड डिस्क को ऊपर से गिराएंगे, मतलब बैग के साथ जब आप हार्ड डिस्क को ऊपर से गिराएंगे, तो जो बाहर का प्रेशर वो हार्ड डिस्क तक नहीं पहुंचेगा। कुछ ऐसे ही फोम वाला मटेरियल मेरे ख्याल से इस्तेमाल हुआ है। तो इस जगह आप देख सकते हैं, दरअसल WD कंपनी का 1.5 TB का पोर्टेबल हार्ड डिस्क, जो कि इसमें बहुत ही आसानी से फिट हो जाता है। और अगर आपके पास सीगेट कंपनी का कोई हार्ड डिस्क है वो भी बहुत ही आसानी से फिट हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। तो अभी सबसे मेन चीज इधर मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप थोड़े से ऊपर से इस प्रोडक्ट को नीचे गिराएंगे तो कैसा होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले मैंने बस 1 फीट ऊपर से नीचे गिरा है, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा अगर अभी इस प्रोडक्ट को लगभग 6 फुट ऊपर से गिराएंगे तो कैसा होगा। और ये चीज मैं कह देता हूँ, मेरा जो टोटल हाइट वो ऑलमोस्ट 6 फीट के आसपास है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, बैग के अंदर मैंने हार्ड डिस्क को भर दिया, अब इस हार्ड डिस्क को मैं मेरे सर के ऊपर से नीचे गिराऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने टोटल 3 बार इस हार्ड डिस्क को गिराया। एक बार मैंने कोने से गिराया, क्योंकि जहां पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है। सेकंड बार मैंने फ्रंट साइड से गिराया, थर्ड बार मैंने बैक साइड से गिराया, और तीनों ही बार मैंने लगभग 6 फीट के हाइट से गिरा। और आप देख सकते हैं कि विजुअली तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैं इसमें कोई डेटा ट्रांसफर करके दिखाऊं, जैसे कि आप देख सकते हैं, डेटा ट्रांसफर भी आसानी से हो जाता है। ये हार्ड केस इस्तेमाल करने की वजह से बाहर का जो फॉल इंपैक्ट वो अंदर पे नहीं आया, और यही रीजन की वजह से अंदर का जो हार्ड डिस्क वो एकदम ठीक है और एग्जैक्टली नया जैसा प्रोडक्ट है। इस जगह मैं आपको एक चीज कह सकता हूं, अगर आप कोई पोर्टेबल हार्ड डिस्क लेते या फिर आपके पास ऑलरेडी कोई पोर्टेबल हार्ड डिस्क है, चाहे वो WD या फिर सीगेट कोई भी कंपनी का हो, आपको ऐसे एक हार्ड केस वो भी शॉक प्रूफ वाला हार्ड केस इस्तेमाल करना है। और इस काम के लिए ज़ीज़गा कंपनी का हार्ड केस मेरे ख्याल से सबसे बेटर है, मार्केट का सबसे ज्यादा बिकने वाला हार्ड केस है और सबसे चीपेस्ट हार्ड केस है, जिसका प्राइस है 200 रुपए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आपको प्रोडक्ट लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन से ले सकते। तो आज का वीडियो तक, उम्मीद है आज का छोटा सा एक्सपेरिमेंट या फिर अनबॉक्सिंग आपको पसंद होगा। वैसे फ्यूचर में और वैसे और भी अनबॉक्सिंग वीडियो देखना चाहते तो गैजेटल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।